सीधी में भाजपा विधायक के खिलाफ खबरें लिखने व रंगकर्मी की गिरफ्तारी के कवरेज के दौरान पत्रकार को थाने में बंद करने और कपड़े उतरवाने वाला मामला एक बार फिर गर्मा गया है। पत्रकार कनिष्क तिवारी ने एक बार फिर विधायक सहित जांच अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और जांच रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं। सीधी से कुछ दिनों पहले एक मामला सामने आया था जिसमें भाजपा विधायक के खिलाफ खबरें लिखने व रंगकर्मी की गिरफ्तारी के कवरेज करने पर पत्रकार को पुलिस द्वारा गिरफ्त में लेकर बदसलूकी की गई थी। पत्रकार से बदसलूकी का यह मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। पत्रकार कनिष्क ने जांच अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ मारपीट और गाली गलौज सहित अर्धनंग कर फोटो खींचने वाले पूर्व अमिलियन थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार सहित कई दोषी पुलिसकर्मियों का नाम आरोप पत्र में जोड़ा ही नहीं गया है और वहीं ऐसे पुलिस आरक्षकों को बलि का बकरा बनाया गया है जो वहां थे ही नहीं। कनिष्क ने कहा, यहां सिर्फ जांच औपचारिकता करते हुए फोटो वायरल की जांच की जा रही है। पुलिस प्रशासन भाजपा विधायक केदार शुक्ला के दबाव में है और आए दिन मुझे अलग अलग लोगों से धमकी दिलाई जाती है। वही पीड़ित पत्रकार हूँ जिसके साथ बीते 2 अप्रैल 2022 में हमारा चीरहरण ही नहीं बल्कि पत्रकार बिरादरी का पूरी तरीके से चीरहरण किया गया था और ये लगातार हम आज भी प्रताड़ित हो रहे हैं। प्रताड़ना के उस दौर की पराकाष्ठा तो हमसे पार की ही गई थी उन 17 घंटों में जब हमें लॉकअप के अंदर बंद किया गया था, मानसिक शारीरिक हर तरीके से प्रताड़ित किया गया था। हमारी तस्वीरें वायरल करके हमें सामाजिक भी प्रताड़ित किया गया, सामाजिक सम्मान और सारी व्यवस्थाओं को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। लेकिन आज 8 महीने बीत जाने के बाद भी हमारी स्थिति ये है कि हमें न कोई सरकारी मदद है, न कोई व्यवस्था मिली है, न कोई सुरक्षा मिली है। लगातार धमकियां मिलती हैं कि हमारे खिलाफ जाओगे तो तुम्हारे साथ हम ऐसा कुछ करवा देंगे कि शायद तुम बयान देने लायक न बचो। पीड़ित पत्रकार कनिष्क तिवारी का कहना है कि थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे का डाटा रिकवर करने के दौरान थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने किन लोगों से बात की है, यदि उनके मोबाइल कॉल डिटेल सीडीआर निकाले जाएं तो कई बड़े खुलासे होंगे। फिलहाल इस मामले के सिंगरौली एसपी वीरेंद्र सिंह जांच कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले में बोलने से मना कर दिया है और कहा कि अभी विभागीय जांच चल रही है, जांच पूरी होने के बाद उसके बारे में बताया जाएगा। 2 अप्रैल की घटना है ये 2021 की और नीरज कुंदेर जो रंगकर्मी है उनको पुलिस अरेस्ट करती है उनके घर से, तो उसी के विषय में हम लोग थाने में गए थे जहाँ पे बहुत सारी चीज बहुत जो कृत हुआ था, कपड़े उतरवाए गए थे, मारपीट की गई थी, फोटोज वायरल किए गए थे उसी मामलों के लेकर। लेकिन अभी 8-9 महीने हो गए, हम लोग न्यायालय के चक्कर लगा रहे हैं, कोतवाली के चक्कर लगा रहे हैं, एसपी ऑफिस के चक्कर, लेकिन अभी तक हम लोगों को न्याय नहीं मिला है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।